नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जानवर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उनसे बाहर निकलने के लिए उन्हें मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है। आज हम आपको ठीक ऐसी ही कहानियां दिखाने जा रहे हैं। मछली पकड़ने वाले जाल समुद्री जीवों के लिए कितने खतरनाक होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको ये दिखाने भी जा रहे हैं। मेक्सिको के पास वन्य जीव अधिकारियों को ये समुद्री कछुआ मरणासन्न अवस्था में मिला। ये बेचारा मछली पकड़ने के जाल में बुरी तरह फंस गया था और उस जाल को कुतरकर अलग करने की कोशिश करने में लगभग पूरा जाल ही निकल चुका था। अंत में उन्हें बेचारे कछुए के मुंह से धीरे धीरे करके करीब 1 मीटर लंबा जाल निकालना पड़ा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब ठीक से हो गया। ये इतनी गंभीर बात ना होती तो शायद हम पेट पकड़कर हंस रहे होते। इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि घोड़ा इतने सकरे गड्ढे में गिरा कैसे। ये सीन समझ के इतना परे है कि कुछ लोग तो इसकी वास्तविकता पर ही प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन ये सोचना भी ठीक नहीं है कि रेस्क्यू टीम ने बिना मतलब ये सब किया। तो आइए उनकी सहायता और सक्रियता के लिए उन्हें धन्यवाद दें। इस उल्लू के साथ जो हुआ उसके बाद लगता है कि वो सदमे में है। वो हार मानकर बैठ गया है क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि इससे निकलना कैसे है। थोड़ा सा मुस्कुरा दे प्यारे, अब तू आजाद है। मुस्कुरा रहे हैं क्यों? वैसे हम पक्षी विज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि इस उल्लू का आभार प्रकट करने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा तब होता है जब आप अपनी शक्ति का सही आंकलन नहीं करते और सामर्थ्य से अधिक छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। ये तिब्बती हिरण भाग्यशाली था कि कुछ राह चलते लोगों ने इसके खुद को चोट पहुंचाने से पहले ही देख लिया। लेकिन हमारा एक सवाल है कि क्या वाकई सुनसान जगह पर कटीली तारे लगाना जरूरी था? एक समय की बात है, जंगल में एक छोटा भालू रहता था जिसे बहुत भूख लगी थी। इतनी भूख कि बेचारे भालू ने नजदीकी पोल्ट्री फार्म में जाकर अपनी भूख मिटाने का फैसला किया, पर वहाँ वो चिकन खाने नहीं गया था। वहाँ पर हमारे शर्मीले दोस्त को एक दाने से भरा प्लास्टिक का डब्बा मिला। खाने के लिए जैसे ही डब्बे में उसने मुंह डाला कि बस वहीं फंस गया। निरीह जानवर एक हफ्ते तक जंगल में ये डब्बा फंसाए हुए ही घूमता रहा, जब तक उसे रेस्क्यू टीम ने ढूंढ कर मुक्ति नहीं दिला दी। It's female. Oh, look at that. Three at last. How are we doing? भालू को कुछ देर के लिए बेहोश करना पड़ा, लेकिन खुशी की बात ये है कि रेस्क्यू टीम ने उसे बिना किसी समस्या के या चोट पहुंचाए बचा लिया। रैकून्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? बिल्कुल सही, खाने की चीजें ढूंढना। लेकिन उनका ये मासूम सा शौक कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। यही हुआ इस अबोध बालक के साथ और उसका सर कांच की बोतल में फंस गया। सौभाग्यवश वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे निकालने में सहायता की। इन ग्राउंड हॉग्स की प्यास देखकर लग रहा है कि वो ड्राई जोन में रहते हैं। ध्यान से देखिए, हाइकर्स ने जब उन्हें पानी पिलाया तो वो कितने खुश हो गए हैं। ऐसा करने के लिए इन लोगों को धन्यवाद। एक महिला अपने कुत्ते को घुमा रही थी कि अचानक उसका कुत्ता अजीब हरकतें करने लगा। पता चला कि उसने गटर में गिरे एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को देख लिया है। वो पिल्ला वहाँ कैसे पहुँचा? ये तो एक पहेली है, लेकिन जब महिला उसको खुद से नहीं निकाल पाई तो फिर उसे रेस्क्यू टीम को बुलाना ही पड़ा। Oh,
सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जिप टाई इस छिपकली की गर्दन में आई कैसे। अंदाजा तो यही है कि उस छिपकली के बुरे दिन चल रहे थे और ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसका बुरा दिन अच्छे में तब बदल गया जब उसे एक दयालु लड़की ने देख लिया। इस लड़की ने ना सिर्फ उसे उसकी परेशानियों से मुक्त किया बल्कि उसे पाल भी लिया। वैसे आपने नोटिस किया कि छिपकली की पूंछ नहीं है, असल में वो इतने तनाव में थी कि उसने पूंछ को त्याग देना ही बेहतर समझा। इस बिल्ली में अवश्य कोई ना कोई जादुई शक्ति होगी, इसके अलावा कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस छोटी सी भूरी बिल्ली की दीवार के पीछे फंसने की। अच्छे खासे घर में एक छेद बनाना पड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस गरीब जानवर को बचा लिया गया। इतना तो सभी समझ चुके होंगे कि फायरमैन क्या कर रहे हैं, बिल्ली को बचा रहे हैं, सामान को नहीं। आखिरकार इस तरह की इमरजेंसी में किसी मालिक के लिए अपने पालतू की जान ज्यादा मूल्यवान होती है। कितनी राहत की बात है कि अपनी बिल्ली को प्यार करने वाला मालिक उसे सकुशल बचा कर ले गया। अमेरिकन मूवीज और कार्टून्स में हमेशा बताया जाता है कि स्कंक हर जगह होते हैं और ये बात काफी हद तक सच भी है। लॉस एंजलिस में एक दिन बजरी प्लांट के कर्मचारियों ने उनके सिलों में एक बेबी स्कंक देखा। अच्छी बात ये कि इसका पता जल्दी चल गया, रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस घबराए हुए जीव को बचा लिया। पता चला है कि शावर की नलियों में फिल्टर सिर्फ साफ सफाई के लिए ही नहीं लगाया जाता है। बिल्लियां भी उसमें फंसने के लिए उत्सुक रहती हैं। बेचारा प्राणी, आखिर तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? हो सकता है किसी ने रस्सी के फंदे से उसे पकड़ने की कोशिश की हो और गड़बड़ हो जाने पर भाग गया हो, लेकिन ये सब बातें अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आसपास ऐसे लोग थे जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। लगता है कि जंगली जानवर डब्बू में अपना सर फंसाए बिना चल ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। सेही को बचाना आसान काम नहीं है क्योंकि इसके कांटों की वजह से उसे हाथों से नहीं उठा सकते, लेकिन ये लड़का बहुत क्रिएटिव निकला और इस स्थिति में भी उसने हार नहीं मानी। इस सफेद लोमड़ी के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, नहीं तो वो सड़क के किनारे अकेले ऐसे क्यों पड़ी होती?
सौभाग्य से कुछ दयालु ड्राइवर थे जो न केवल इस बेचारे को सड़क से दूर ले गए बल्कि उन्होंने उसे पीने के लिए पानी दिया, साथ ही उसे कुछ खिलाने की भी कोशिश की और अंत में उसे पशु चिकित्सक के पास भी लेकर गए। हम शर्त लगा सकते हैं कि प्लास्टिक के बोतल से बंदरों के पानी पीने वाले वीडियोस आपके पसंदीदा हैं। जरा उनके कृतज्ञ चेहरों को तो देखिए। क्या आपको भी इस छिपकली का आकार अजीब लगा? दरअसल वो गर्भवती है, इसलिए उसका पेट इतना फूला हुआ है। यही कारण है उसकी स्थिति बहुत भयानक है। ये बेचारी गलती से कपड़े के टुकड़े में फंस गई, जिससे उसे चोट भी लग सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो माँ बनने की तैयारी कर रही हो और बच्चों को ढोने के लिए एक बेबी कैरियर बना रही थी। एयरबेड बनाने वाली कंपनीज चाहे तो इन इमेजेस का उपयोग दिल को छू लेने वाले बेहतरीन विज्ञापन बनाने के लिए कर सकती है। वो चाहे तो उनके प्रोडक्ट्स कितने वर्सटाइल हो सकते हैं। बट सीरियसली, हम बिल्ली के बच्चे के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। उसे देखकर लग रहा है कि उसने पुल के नीचे काफी ज्यादा समय बिताया है, लेकिन सौभाग्य से आसपास के लोग उसकी देखभाल करने और उसे गर्म रखने के लिए तैयार थे। देखकर लग रहा है जैसे कुत्ता सीधे आइस एज फिल्म से भाग कर आया हो। इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है, ये जमी हुई झील के बीचों बीच कैसे पहुँचा। यही नहीं, वो यहाँ 2 दिनों से फंसा हुआ था। लेकिन फिल्म की ही तरह अंत में सब कुछ ठीक हो गया। नाव में जाने वाले उस बहादुर व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में उसके बस में कुछ भी नहीं था। और एक बार फिर लानत है इस कांटेदार बाड़ पर जिसमें वो बेचारा फंस गया। ऐसा नहीं हो सकता कि इन कांटेदार बाड़ों का उपयोग ही बंद कर दिया जाए। शायद कोई याचिका या सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए। इस रेस्क्यू स्टोरी पर आधारित एक पूरा वीडियो गेम बनाया जा सकता है, जैसे बिना डूबे भेड़ पकड़िए। रास्ते में जमीन के छोटे टुकड़ों पर कुछ सिक्के रखे हुए हो सकते हैं। कितना मजेदार हो सकता है ये। और दोस्तों, आप में से कोई अगर इस गेम को बनाता है तो प्लीज हमारी रॉयल्टी देना मत भूलिएगा। ऐसी स्थिति में फंसने का टैलेंट सिर्फ एक ही जानवर में हो सकता है। हमें विश्वास है कि आपका भी जवाब बिल्ली ही होगा। ट्रैफिक कोन पर चढ़ने के बारे में और कोई सोच भी नहीं सकता। साफ है कि खेलने के लिए उसे आसपास और कुछ नहीं मिला। कभी कभी लगता है कि शायद हमने मानवीय क्रूरता के सभी आयाम देख लिए हैं, पर तभी आपको कचरे के ढेर के पास एक निरीह कुत्ता बंधा हुआ मिलता है और आपको एहसास होता है कि आप कितने गलत थे। जब ये वॉलंटियर्स कुत्ते को क्लिनिक ले गए और उसके उलझे हुए बालों को काटा गया तो उसकी दुर्बलता देखकर आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हमें विश्वास है कि कुत्ते के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वो मनुष्यों पर दोबारा विश्वास करने लगेगा।